जब मुझसे पूछा गया कि कैसे डिसाइड करें कि कौन से मोमेंट में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट काम है या कौन से मोमेंट में हमें कौन सा काम करना चाहिए, तो मुझे वहाँ पर उबलते हुए कन्फ्यूजन की फीलिंग आई। तो चलिए आज यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम अपने हर मोमेंट को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पाहेती। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला मकसद होता है कि किस तरह से आप आपके हैप्पीनेस को खुद डिफाइन करते हैं। अगर आपका हैप्पीनेस डिफाइंड है तो आपका हर मोमेंट आपके सोचे हुए अनुसार पूरा होता है और हर मोमेंट से आपको खुशी मिलती है। जब हम बात कर रहे हैं खुशी की, एक बार ऑब्जर्व करके देखिए जो एक्चुअल खुशी है वो उस मोमेंट में है या एक मोमेंट से अगले मोमेंट में बीच में चल रहे ड्यूरेशन में आपको एक्चुअल खुशी मिलती है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने नया फोन परचेज किया, अब नया फोन परचेज करते वक्त आपको खुशी हुई या उस फोन के इस्तेमाल के दौरान आप हमेशा खुश होते रहे। तो जो हैप्पीनेस है वो किसी एक चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है। जो स्पैन आप बीच में बिताते हैं एक हैप्पीनेस एक मोमेंट से लेकर के दूसरे मोमेंट के बीच में जो टाइम आप स्पेंड करते हैं वहां पर आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस है। अब मुझे बताइए कोई भी मोमेंट कौन डिफाइन करता है? या तो आप खुद डिफाइन करते हैं अगर आपके कंट्रोल में वो चीज है, या फिर आपको डिस्टर्ब करने वाले आपके शेड्यूल के एलिमेंट डिफाइन करते हैं कि ये मोमेंट आप कैसे स्पेंड करेंगे। जैसे कोई एक फ्रेंड वहां पर आ गया है और वो आकर के आपकी तारीफ कर देता है कि भाई तेरे बारे में ये सुना, ऐसा सुना और बहुत अच्छा लगा। अब वो जो तारीफ वाला मोमेंट है वो आपके हैप्पीनेस को दोगुना कर देता है। और वहीं पे एक फोन कॉल आ जाता है जहां पर आपके क्लाइंट ने आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के बारे में कुछ कंप्लेन कर दी, वो जो मोमेंट है वो मोमेंट आपके हैप्पीनेस को दूर कर देता है। तो जब तक वो फोन कॉल नहीं आया था तब तक आप बहुत खुश थे, आपकी हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में थी और आपको मालूम था कि मुझे इस वक्त कौन सा काम करना है। लेकिन जैसे ही वो फोन कॉल आ गया, आपकी हैप्पीनेस आपका कंट्रोल आपके शेड्यूल से दूर हो जाता है और फिर उसके बाद हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों अगर सिचुएशन को समझ लिए हैं तो इस सिचुएशन के सॉल्यूशन पे काम करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हमारे शेड्यूल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो कहाँ से आती है? हम खुद ही सेट करते हैं। हमने खुद ने सेट किया होता है कि आज हम दिन भर में कौन कौन से काम करेंगे, या तो वो बहुत सारे काम लिखे हुए हैं या फिर बहुत कम काम लिखे हुए हैं। दोनों ही केसेस में आपका शेड्यूल बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर बहुत सारे काम लिखे हैं तो आप एक स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं और आप उसमें से 4, 5 या 10 काम पेंडिंग रख देंगे कल के लिए, परसों के लिए, मतलब कल या परसों का स्ट्रेस हम आज ही क्रिएट कर लेंगे। या फिर हमने बहुत कम काम लिख रखे हैं, 1 या 2 काम लिख रखे हैं, बाकी हमें नहीं मालूम कि हम क्या करने वाले हैं और हम न्योता देते हैं ऐसे कामों का जो हमें करना पसंद नहीं है और फिर हम पूरा दिन पता नहीं कौन से काम में बिजी रहते हैं, लेकिन हमारा पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कुछ प्रोडक्टिव हासिल नहीं होता। ऐसे मोमेंट में कैसे डिसाइड करें कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा बाद में करना है? और हर एक मोमेंट के बीच में हमारा जो टाइम स्पैन है वो एक कंफर्ट लेवल के साथ बीते, उस पर काम करना जरूरी है। अब देखिए, अगर आपके एक शेड्यूल को आप आपके कंट्रोल में लेकर के आते हो तो क्या बदलाव आएगा? सबसे पहला बदलाव आएगा, आपको पता होगा कि 10 बजे आपके ऑफिस, शॉप या आपके काम पर पहुंचने के बाद आप कौन सा काम सबसे पहले करने वाले हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे एक दिन पहले कि ये काम मुझे कल सुबह ऑफिस पहुंचते ही, शॉप पे पहुंचते ही, काम पे पहुंचते ही कर लेना है। अगर आपने ये डिसीजन एक दिन पहले ले लिया है तो आपका स्टार्टिंग मोमेंट, ऑफिस जॉइनिंग, काम जॉइनिंग को लेकर के जो स्टार्टिंग मोमेंट है वो आपका सेट हो गया है और उस मोमेंट से आप आपके लाइफ स्पैन को शुरू कर देते हैं।
इसके आगे के 5, 6, 7, 8 डिपेंडिंग ऑन योर शेड्यूल, योर टास्क टाइमिंग्स आप सेट कर लेते हैं कि कल दिन भर में अंदाजन 8 काम पूरे हो सकते हैं। आपने वो 8 काम लिख लिए हैं। अब इन 8 कामों को लिखते वक्त आपने प्रायोरिटी सेट कर ली है कि कौन सा काम सबसे पहले पूरा करना है और कौन सा काम सबसे बाद में पूरा करना है। अब ये प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके गोल्स सामने आ जाते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो आपके गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप फिल्टर कर लेते हैं कि ये 2 काम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये 6 काम गोल की तरफ नहीं बढ़ रहे। अब ये 2 काम आपको सबसे पहले पूरे करने हैं जो आपके लाइफ गोल, आपके बिजनेस गोल, आपके प्रोफेशनल गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो 2 काम करेंगे और उसके बाद जो बचे हुए 6 काम है उनमें आप प्रायोरिटी सेट करेंगे। फिर उसमें अर्जेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्लाइंट के हिसाब से, आपके पर्सनल विशेष के हिसाब से, कौन सा मुझे करना पसंद है, नहीं पसंद है, उसके हिसाब से आप सेट कर लेते हैं। अब जो 2 इम्पॉर्टेंट काम है उनको आप सबसे पहले शेड्यूल कर लेते हैं। अब देखिए, आपका सबसे पहला टास्क और उसके बाद के 2 इम्पॉर्टेंट टास्क और उसके बाद के 6 अलग टास्क आपने सेट कर लिए हैं। पूरे दिन भर में आपके 9 to 10 टास्क पूरे होंगे और जो हैप्पीनेस है, जो मोमेंटम, जो टाइम आपका ट्रैवल करने वाला है वो इन 6 टास्क में ट्रैवल करने वाला है। अब एक बार आप आपके इस शेड्यूल को फील करके देखिए, लग रहा है ना कंफर्टेबल, लग रहा है ना कि यार ये तो अचीवेबल है, आसानी से अचीव कर सकते हैं। बस इसी तरह से आपको आपके शेड्यूल्स को सेट करते हुए अचीव करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। एक और टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, उसे मैं कहता हूँ मल्टीटास्किंग मत कीजिए। जब भी आप अलग अलग कामों के बीच में फंस जाते हैं, अपने आप को मल्टीटास्किंग की तरफ आगे लेकर के मत जाइए, क्योंकि एट द एंड आप अगर चेक करेंगे वो मल्टीटास्किंग आपके एनर्जी को खराब कर देता है, रिजल्ट नहीं देता है। और जब भी मल्टीटास्किंग करने की बारी हो या कोई ऐसे काम आपके शेड्यूल में आ जाए जो आपको करने का मन नहीं है, तो उसको मना करना सीखिए, उसको ना बोलना सीखिए कि ये नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, छोटा मोटा फाइनेंशियल लॉस होगा, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस नहीं होगा, जो आपको हमेशा कंफर्टेबल रखेगा। फाइनेंशियल लॉस आप कभी भी रिकवर कर लेंगे, फिजिकल, मेंटल या टाइम का जो लॉस होगा वो कभी रिकवर नहीं होगा। इसलिए जब भी ये सवाल आपके मन में आए कि इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, अपने आप को एक रीक्वेश्चन कीजिए कि चलो ठीक है, अभी मेरे सामने 4 काम है, इसमें से मैं डिसाइड कर लेता हूँ कौन सा करना है, लेकिन कल ये सवाल नहीं आना चाहिए। कल के एक शेड्यूल में ये सवाल ही नहीं आना चाहिए कि मुझे अब कौन सा काम करना है, क्योंकि आज के दिन ही आप आपके कल को डिफाइन करके आगे बढ़ेंगे। अगर ये आप सेट कर सकते हैं तो बड़े ही आसानी से आप आपके हर मोमेंट और हर मोमेंट के बीच में चल रहे हैप्पीनेस मीटर को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमेशा हर मोमेंट, हर टास्क बेहतरीन बना सकते हैं। वापस जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए, आपके अगले मोमेंट तक के लिए, हमारे अगले मीटिंग तक के लिए ऑल द बेस्ट, और ये हैप्पीनेस मीटर हमेशा बढ़ता रहना चाहिए। सी यू सून।